गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अरविंदर सिंह मान, टीजीटी कॉमर्स। टुडे वी आर टेकिंग द इकोनॉमिक्स क्लास, चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस द प्रीफेस ऑफ दिस लेसन एंड वी हैव डिक्टेटेड द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। टुडे we will take on industrial sector on the eve of independence. Now the question is, at the time of colonial rule, the country's world famous handicraft industry was demolished by the Britishers because they were not interested in continuing with the Indian handicraft. Now what was the British policy to be followed in this country? That is a twofold policy. The number one is to make India the mere exporter of the important raw material for the industries of the Britain and Scotland. They needed only the raw material from the India and the raw material to be sent to the Britain and the Scotland, because to run the super naval power they had and the new factories and to support the inventions they had in the country. Now turn into the sprawling market for the finished goods. जो भी इंग्लैंड के अंदर जो माल बनता था उसको हिंदुस्तान के मार्केट के अंदर बेचा जाता था, और वो भी बड़े महंगे दामों पर. Now the first is टीके ऑफ handicraft. Handicraft जो इंडियन handicraft था उसको कैसे अंग्रेजों ने बर्बाद किए. The introduction of discriminatory tariff policy. सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. द हैवी ड्यूटीज ऑन द इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स. अब हिंदुस्तान के हैंडीक्राफ्ट को तबाह करने के लिए अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के जितने भी हाथ से बनने वाले जो मटेरियल थे उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए ताकि उसे बर्बाद कर दिया जाए. द फ्री एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया. और रॉ मटेरियल जो हिंदुस्तान से भेजा जाता था वो इतना सस्ता था, या तो वो बिल्कुल ही कीमत नहीं थी उसकी, और अगर उसकी कोई कीमत थी तो वो इतनी कम थी कि सिर्फ हिंदुस्तान को एक्सप्लॉइट करने के लिए काम किया जाता था. नाउ सेकंड पॉइंट इज लो प्राइस्ड मशीन मेड गुड्स. नाउ अंग्रेज जो इंग्लैंड से जो माल लेके आते थे वो मशीनों से बनता था और जल्दी बनता था, और उसकी जो कीमत होती थी बहुत कम होती थी, और इंडिया में बनने वाले जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे उसका वो कंपटीशन नहीं हो पाता था, क्योंकि हाथ से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स थे वो काफ़ी महंगे होते थे. और यही एक रीज़न रहा कि इंडिया के जितने भी आर्टिशंस थे, आर्टिस्ट जो हथकरघा यानी हाथ से बनाने वाले जो कारीगर थे, वो सारे अनएम्प्लॉयमेंट हो गए. द चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस. जैसे जैसे वक्त बदलता गया, ब्रिटिश रूल के ज़माने में इंडिया के लोगों ने ब्रिटिश कल्चर को अपनाया, एंड दे चेंज द टेस्ट एंड स्टाइल एंड दे अडॉप्टेड द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इन देयर लाइफ. नाउ डी फॉल इन एनकरेजमेंट टू द हैंडीक्राफ्ट. इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर लूजिंग द स्टेट पैट्रोनेज. पहले इंडिया के जो मोनार्क जो किंग्स थे वो इंडिया के आर्टिसंस हैं और हैंडीक्राफ्ट वर्क को सपोर्ट करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं होता और किंग्स जो हैं कोई सपोर्ट नहीं करते. नाउ नेक्स्ट इज स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्री. लॉपसाइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज. द डेवलपमेंट वॉज confined to setting up the cotton and jute industries. अब development तो हुआ लेकिन सिर्फ cotton और jute industries में हुआ. अंग्रेजों के ज़माने की बात की जा रही है यहाँ पर, और थोड़ा बहुत जो बड़ी यूनिट इंडिया में लगाई गई वो JRD टाटा ने 1907 में लगाई, जो टाटा स्टील इंडस्ट्री के नाम से, टिस्को के नाम से एक इंडस्ट्री चलाई गई थी, वो टाटा जी ने चलाई थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो 1907 के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी. उसमें अंग्रेज़ों का कोई ज़्यादा योगदान नहीं था,
और कुछ और इंडस्ट्रीज थी, शुगर इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, वो देखने में हमें लगता है कि कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। बाकी अंग्रेजों ने, द ब्रिटिशर्स हैजंट टेकन एनी डीप इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्किन इंडस्ट्री और द हैवी इंडस्ट्रीज इन दिस कंट्री। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नाउ लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इन इंडस्ट्रीज। अब अंग्रेजों ने कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को ज़्यादा महत्व इंडियन पेरिफेरी में नहीं दिया है। दे इंसिस्टेड द इंडियंस टू डिपेंड ऑन द ब्रिटेन फॉर द कैपिटल गुड्स। द कैपिटल गुड्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम द ब्रिटेन फॉर एक्सप्लोइटिंग द इंडियन मार्केट एंड डिस्ट्रॉइंग द इंडियन इकोनॉमी। द नेक्स्ट पॉइंट इज लोअर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द GDP। अब जो कॉन्ट्रीब्यूशन था GDP के लिए बहुत कम था। द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज वेरी लो। जो ग्रोथ रेट था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत लो था। ओवरऑल प्रोडक्शन एंड इनकम जनरेशन रिमेंड वेरी लो। जो उस अंग्रेजों के ज़माने में जो प्रोडक्शन था और जनरेशन था वो बहुत लो था। उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश इंडिया में नहीं की, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। नाउ लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। द पब्लिक सेक्टर वॉज कन्फाइंड टू द रेलवे, पावर जनरेशन एंड कम्युनिकेशन एंड पोर्ट्स। अंग्रेजों के ज़माने द कॉलोनियल गवर्नमेंट वॉज इंटरेस्टेड ओनली इन रेलवे, पावर जनरेशन एंड कम्युनिकेशन एंड पोर्ट्स, बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स हेल्प द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू रन द गवर्नमेंट इन दिस कंट्री। रेलवे जरूरत थी माल को इधर से उधर ले जाने की और आर्मी को इधर से उधर ले जाने की। पावर जनरेशन के ऊपर जो काम किया अंग्रेजों ने वो सिर्फ खुद की लाइट और कंपनी सरकार को मदद देने के लिए। कम्युनिकेशन और पोर्ट्स दिए इस देश को वो सिर्फ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, ताकि रॉ मटेरियल को यहाँ से बाहर भेजा जा सके। द गवर्नमेंट नॉट टेक द इंटरेस्ट इन द कैपिटल गुड्स। कॉलोनियल गवर्नमेंट हैजंट टेकन एनी इंटरेस्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। नाउ फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के पूर्व संध्या पर भारत का जो फॉरेन ट्रेड था, जो विदेशी व्यापार था, वो क्या स्थिति थी कॉलोनियल गवर्नमेंट के। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ द प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी बनाई। द स्टेटस ऑफ इंडिया वॉज ओनली द एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड मोनोपोली, और सारा का सारा जो इम्पोर्ट होता था वो फिनिश गुड्स होता था, जो स्कॉटलैंड और ब्रिटेन की जो कंपनियां बनाती थी वो हिंदुस्तान के मार्केट में महंगे दामों पर बेचा जाता था। मोनोपोली कंट्रोल, द मोनोपोली कंट्रोल वॉज स्टिल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी गवर्नमेंट। द कंपनी गवर्नमेंट इंसिस्टेड द इंडियन मार्केट शुड बी डोमिनेटेड बाय द लेफ्टिनेंट्स एंड द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी गवर्नमेंट, कॉलोनियल रूल। द हाफ, मोर देन द हाफ ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट्स वर सेंट टू द ब्रिटेन एंड स्कॉटलैंड एंड रेस्ट वॉज सेंट टू द चाइना, सिलोन एंड पर्शिया। नाउ मिसयूज ऑफ द एक्सपोर्ट सरप्लस। अब जो सरप्लस होता था इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का, जो विदेशी व्यापार का जो सरप्लस होता था, दैट सरप्लस वॉज यूज बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट ओनली फॉर पेइंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर जो कंपनी सरकार का जो खर्च होता था, उस खर्च को पूरा करने के लिए इंडिया के जो फॉरेन मार्केट का जो सरप्लस था वो यूज़ होता था। एंड सेवरल कमोडिटीज लाइक फूड, ग्रेन्स, क्लोथ, कैरोसिन वर स्कैर्स, बिकॉज मैक्सिमम प्रोडक्ट्स वर सेंट टू द इंग्लैंड। द डोमेस्टिक मार्केट वॉज बीन डिप्राइड फ्रॉम ऑल द कॉमोडिटीज, सो इट वॉज द थिंग वे हाउ द इंडियन मार्केट वॉज एक्सप्लॉयटेड एंड द पीपल्स वर प्रेशराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी एंड एवरी थिंग वॉज एक्सपोर्टेड। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।